भेलूपुर थाना अंतर्गत नगर निगम जोनल कार्यालय के बाहर ठेला पटरी व्यवसायी संघ के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लंका थाने की पुलिस द्वारा 3 सितंबर से बीएचयू अस्पताल के बाहर से स्ट्रीट वेंडरों को जबरन हटाया जा रहा है, जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि सड़क किनारे दुकान लगाकर आजीविका चलाना एक वैधानिक व्यवसाय है और इसके लिए केंद्रीय कानून 2014 में लागू किया गया था। व्यवसायी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने पुलिस और नगर निगम प्रशासन से बार बार पत्राचार कर अपनी आजीविका बचाने की गुहार लगाई है, लेकिन 35 दिन बीत जाने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस विरोध के चलते उजाड़े गए पटरी दुकानदारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। इसी के विरोध में बुधवार सुबह 11 बजे ठेला पटरी व्यवसायी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर भेलूपुर के जोनल कार्यालय दुर्गा कुंड पर धरने पर बैठ गए। नगर निगम जोनल कार्यालय के पास पहुंचे हैं। पिछले 3 सितंबर से अतिक्रमण के नाम पर लंका की पुलिस हमको प्रताड़ित करके रोजगार नहीं करने दे रही है, जो आज 35 दिन हो गया। मैंने 5 बार नगर आयुक्त महोदय जैसे मिला, लेकिन वो नहीं मिले। किसी दिन कार्यालय में वो नहीं मिले हमसे, जबकि टाउन एंडी कमेटी बन जाने के बाद वेंडरों की सारी व्यवस्था, उनके मौलिक अधिकार की सुरक्षा और उनकी पुलिस उत्पीड़न शोषण दमन की सुरक्षा के जिम्मेदार नगर आयुक्त महोदय हैं, लेकिन 5 बार उनसे वो नहीं मिले। उसके बाद 1 अक्टूबर को संभव दिवस था, मैं गए नगर आयुक्त महोदय के पास, तो उनका अपर नगर आयुक्त है, वो लिख करके जोनल अधिकारी को भेजे कि जोनल अधिकारी ही इसका जिम्मेदार है। मैंने 3 बार जोनल अधिकारी से मिला, आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक है करेंगे। आज 35 दिन हो गया, हम दुकानदारों भुखमरी के कगार पर हैं और आज 35 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई।